अंजलि बिटिया, आपके तीज की पूजा कैसन रही? पूजा बिल्कुल ठीक से हो गई नानी। और नानी आपको पता है कौन आया था? कौन? नानी हम खुशी और उनकी जीजी की बात कर रहे हैं। ठीक तो है? हाँ हाँ हम ठीक है, वो ध्यान कहीं और था। जयप्रकाश जरा ये साफ कर दीजिएगा। देखा, वो फटी साड़ी का नाम लेते ही सब गड़बड़ हो जाते हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है, वो बस काम के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें कोई बहुत जोर से याद कर रहा है। और कौन हुई? ओहे मिस कश्यप। वो चाहे इनका कितना भी याद करे पर छोटे को उनको भूलना ही पड़ेगा। नानी आज के दिन ये बात करनी जरूरी है। सब साथ बैठे हैं, जीजा जी आए हैं, लेकिन आप उसी बात को लेकर बैठी हैं। कुछ देर के लिए उस बात को भूल नहीं सकते क्या? नहीं, हम नहीं भूलेंगे। भूलना तो आपको है उसका सबको। अरे भाई अर्नव बैठो, क्या बात है, बात करते हैं। सॉरी जीजा जी पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। छोटे नाश्ता तो। अरे भाई कोई हमें बताएगा आखिर बात क्या है? कट टू फ्लैश बैक। हमें नहीं लगता है श्याम जी बुआ जी की पेंशन को लेके कुछ खास काम कर पा रहे। हो सकता है जीजी, पर एक बात तो पक्की है, श्याम जी कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक काम करें जीजी, बुआ जी से बात करके उनके चिकन की साड़ी का काम फिर से शुरू करते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर उससे पहले तुम एक और काम करो। वो रायजादा के घर पे हमारा पुराना वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, जाकर वो ले आओ। कम से कम काम तो शुरू होगा ना। जीजी तुम घुमा फिरा कर हर बात उस राक्षस तक क्यों ले जाती हो? तुम्हें हम खुश अच्छे नहीं लगते। हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और तुम ना बात बदल लो, वरना हम फिर से जलेबी बनाएंगे। खबरदार अगर जलेबियों का नाम भी लिया तो, वो भी तब जब घर में राशन ना हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा जीजा जी, और मुझे ये लगता है कि इस घर में किसी को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है। साले साहब आप बात को कहां से कहां ले गए। मानते हैं आपने बहुत सोचा होगा, पर जरा इस मामले पे ना थोड़ा दूर हटकर नजर डालिए। जिंदगी आपकी है, लावण्या भी आपकी है। अब अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन, और हाँ इस लेकिन पर जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको ये घर छोड़कर क्या मिलेगा। अभी आपने कहा था कि कितना अच्छा लग रहा था हम सब मिलकर साथ नाश्ता कर रहे थे। कल आपने ये धागा भी बंधवाया हमारे खातिर, क्यों? हमें और आपकी दी को साथ देकर आपको खुशी होती है, क्यों? क्योंकि ये रिश्ते हैं, परिवार है, और किसी भी इंसान की जिंदगी से अगर परिवार ये रिश्ते नाते हटा दिए जाएं तो इंसान ना थोड़ा खोखला सा लगता है ना। पर लावण्या से भी मेरा एक रिश्ता है, बस मैं उसे कुछ नाम नहीं देना चाहता। तो मत दीजिए ना, लेकिन सिर्फ एक उस रिश्ते के लिए आप बाकी इतने सारे रिश्तों को क्यों ताक पर रख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा नानी लावण्या को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। क्योंकि भाई वो नानी है, उनका जमाना अलग था, जमाने की सोच विचार सब अलग थे। अब उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि ऐसे चुटकी बजा के छोटे बड़े हो गए, अब आप भी बदल जाइए। पर नानी के इस एटीट्यूड से मुझे घुटन होती है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। देखिए अर्णव, हर काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। ये आपका तरीका है और एक तरीका हमारे पास भी है। ई के बारे में सोचिए भी नहीं। लावण्या इस घर की बहू कभी नहीं बनी है। नानी जी, ये जो कभी नहीं है ना, यही सारे फसाद की जड़ है। आप तो ऐसा कहते हैं जैसे ये घर मां सब हमारी सुनत है। ऐसी बात नहीं है नानी जी, आज भी आपकी आवाज आपके कभी नहीं में बहुत दम है। आप बताइए, अगर नहीं होता तो छोटे इतना परेशान क्यों होते? तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। लीजिए, अब लीजिए ना, लीजिए ना। देखिए नानी जी, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि हम सब आपके साथ हैं। अब आपके फैसले का हम तो जरूर साथ देंगे। हेलो, हाय, बाय बाय। काहे तामा जी कि सीक्रेट मीटिंग वामा हमका नहीं ना इनवाइट किए? अब सीक्रेट कहाँ, खुली किताब है, आपकी राय भी जरूरी है। देखिए नानी जी, आप क्या चाहती हैं? अर्णव की शादी हो, तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि उसकी गृहस्थी बसे। तभी तो आई हमरे आकाश पिटुआ का नंबर। पर आप तो जानती हैं नानी जी, अर्णव ठहरे नए जमाने के। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, फैसला जल्दी होना चाहिए, तो कर देते हैं फैसला। लावण्या जी कुछ दिनों के लिए इस घर में आके रहे तो बिन फेरे हम तेरे हेलो हाय बाय बाय। मनोरमा, रामाची, लावण्या ये घर में शादी से पहले हम भी तो शेम टू शेम बोले रहे सासू माँ। अब अर्णव से बिना शादी किए कहीं और रहने से तो अच्छा है कि वो दोनों यहाँ आपकी निगरानी में रहे। क्या पता लावण्या और अर्णव के रिश्ते को बंधन में बंधने के लिए आपकी देखरेख की जरूरत हो। और लावण्या के बारे में जो भी बातें आपको अलग लगती हैं, उसका पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज, जो भी, वो आप इस घर के हिसाब से, अपने हिसाब से ढाल सकती हैं। पर नानी जी, वो तो तभी होगा ना जब लावण्या जी यहाँ आके रहेंगी। लीजिए नानी, पी भी लीजिए नानी जी। देखिए नानी जी, जमाना थोड़ा बदल गया है, और ये है तो आप ही के बच्चे ना। अब बस आप शांत हो जाइए और मन बना लीजिए कि लावण्या जी कुछ दिनों के लिए शादी किए बिना यहाँ आके आपकी निगरानी में रहेंगी। दामा जी, वैसन लावण्या टू नानी फिलाए ओवर बनने में कितना टाइम लगे? बस जैसे लावण्या जी नानी जी के रंग में रंग जाएं, सब हो जाएगा। नहीं, फिर भी एक डेडलाइन तो रखेगा पड़ी ना। काहे कि अगर लावण्या टाइम पे रेडी ना ही हुई तो हमरे आकाश पिटुआ के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट करेगा पड़ी। हम कितनी बार कहे हैं कि पहले छोटे की शादी होगी, फिर आकाश पिटुआ की। दामा जी, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, पर हमें आप पर पूरा विश्वास है। हे देवी मैया, एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब हमारा जी नहीं घबराता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? बार बार उस राक्षस का ख्याल क्यों आता है? ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कोई हिसाब बराबर करना बाकी है, जैसे कुछ छूट गया है वहां पे। ये तो वैसे ही हुआ जैसे बचपन में हम खाने का डिब्बा स्कूल ले जाना भूल गए थे। पूरा दिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा क्या है देवी मैया? देवी मैया की मूर्ति, हम आप ही को भूल गए वहां पे।